हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको आज इस वीडियो में एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। आपका मोबाइल में अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है और उसे आप एज ए पीडीएफ सेव करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए आपको लेके चलेंगे मेरा मोबाइल के स्क्रीन पे और कैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ मोबाइल में ही सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है। हमें करना है वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट। इसके लिए हमारे को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। हम प्ले स्टोर में आ गया है और एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एम एस ऑफिस हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो एम एस ऑफिस टाइप करने के बाद जो सर्च रिजल्ट आएगा उनमें से एक दो तीसरा नंबर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप भी ये इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा एक वर्ड फाइल, जो कि मेरा मोबाइल में कुछ वर्ड फाइल पड़ा हुआ है, उसे मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ये ट्रिक जानने के लिए दोस्तों एक कोई सा भी वर्ड फाइल आपका मोबाइल में खोल लीजिए। मैं जाऊंगा मेरा फाइल मैनेजर में और मेरा इंटरनल मेमोरी में कुछ वर्ड फाइल पड़ा हुआ है उसे ओपन करेंगे। देखिए, एक दो तीन चार चौथा नंबर पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिव्यू ये वाला वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसे मैं ओपन कर लूँगा। और ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको जाना है ऊपर तीन डॉट वाला एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उस लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शनें दिखाई देगा, इनमें से शेयर एस पीडीएफ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। गेटिंग फाइल रेडी, अभी आपको शेयर करने के लिए फाइल को एज ए पीडीएफ कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे होने दीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और आपके सामने ऐसे शेयर का बटन आएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप, ईमेल, जीमेल, ब्लूटूथ सभी चीज़ें आ रखा है। तो इनमें से हम जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी भी एक कॉन्टेक्ट को आपने इसे व्हाट्सएप करना है, इसे सेंड करना है। तो हम मेरा एक दोस्त के पास इसे भेज देता हूँ पहले। तो देखिए, एज ए पीडीएफ ये उनके पास पहुँच गया। अभी उस पीडीएफ के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद एज ए पीडीएफ ये खुल जाएगा और आपका मोबाइल पे इसे ऊपर फिर दिखाई देगा, तीन लाइन वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक डाउनलोड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उस डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी देखिए, डाउनलोडेड पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिव्यू डॉट पीडीएफ ये अपना मोबाइल पे डाउनलोड हो चुका है। अभी हम फिर अपना फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाके माई फाइल्स ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप फिर इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं, ये इंटरनल स्टोरेज में चला जाएंगे और यहाँ पे आपको ढूंढना होगा डाउनलोड्स में जाएगा, क्योंकि हमने ये फाइल डाउनलोड किया। डाउनलोड्स के ऊपर जाने के बाद बहुत सारा फाइलें आपका मोबाइल में हो सकता है। तो हमारा फाइल का नाम किया था पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशनल, तो उसे हम सर्च करेंगे इसमें पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिव्यू डॉट पीडीएफ। दो फाइल है हमारा में, एक है वर्ड में, जो नीचे वाला है वो वर्ड फाइल है पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिव्यू डॉट docx, ये डॉक्स मतलब ये वर्ड में है, और ऊपर वो पीडीएफ में है। इसे ओपन करके आप देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल है। दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना मोबाइल में ही किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट को एज ए पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।